नबी के रोज़े की ज़ियारत डन। फीलिंग वेरी मच गुड। पता नहीं मेरी अम्मी को मैं भेजूँगा ये, लेकिन आइडिया नहीं कैसा शूट हो रहा है। जस्ट मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ शोएब का वीडियो। तो शोएब, आपने ये वीडियो जो भेजा है तो आप कह रहे थे कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कैसा शूट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, आपने तो कभी कोई वीडियो शूट नहीं किया है तो आपको कैसे पता होगा। तो जितना भी वीडियो शूट किया बहुत अच्छा किया। तो मिस यू शोएब, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। और तुम्हारा वीडियो देखकर मुझे बहुत रोना आया कि तुम अकेले उम्रा इतनी छोटी सी उम्र में किया तुमने। तो बहुत अच्छा भी लगा। मेरे खुशी के वो आंसू थे जब मैंने पहली बार आपको उस कपड़े में, उस लिबास में देखा था जो उम्रा लिबास पहना जाता है। सो फ्रेंड, जहाँ शोएब काम करते हैं फिर वहाँ से उन्होंने छुट्टी ली एक दिन के लिए और फिर वो रात के 9 बजे वहाँ से निकले और 12:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे मक्का। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपना एहराम वगैरह लिया और उसे पहना, जो कि उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये सब कैसे पहना जाता है, क्या होता है। कोई आइडिया, कोई नॉलेज नहीं। छोटा बच्चा है, इतनी समझ में नहीं ये सारी चीज़ें आती, लेकिन बस ये है टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं, इस वजह से अल्लाह ने दिमाग भी दिया है। और अल्लाह ताला का घर शोएब ने इतनी कम उम्र में देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं अभी तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचे। सो फ्रेंड, इतनी अच्छी जगह हर इंसान को नहीं नसीब होती है। जा वही पाते हैं जिनके नसीब में लिखा होता है। दौलत पैसा सबके पास होता है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और शोएब ने जाके काबे को चूमा और यहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी तो शोएब का उम्रा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। नबी के रोज़े की ज़ियारत डन। फीलिंग वेरी मच गुड। पता नहीं मेरी अम्मी को मैं भेजूँगा ये, लेकिन आइडिया नहीं कैसा शूट हो रहा है। जस्ट मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो फ्रेंड, उम्रा कंप्लीट होने के बाद शोएब आए थे मदीने शरीफ। तो मदीने शरीफ थोड़ा नज़दीकी में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, लेकिन जब काबे का तवाफ़ करते टाइम और उम्रा करते टाइम बहुत बारिश होने लगी थी। शोएब ने बताया, अम्मी इतनी बारिश हो रही थी और वहाँ पर जो है बिल्कुल ठंडक नहीं लग रही थी, जबकि बारिश में ठंडी लगना चाहिए और हमारे जो बदन पर कपड़े होते हैं खुले हुए होते हैं, लेकिन कोई ठंडक का एहसास नहीं था। और वहाँ पर उन्होंने नमाज भी पढ़ी और शोएब काफ़ी भीग गए थे। फिर उन्होंने अपने बाल वगैरह कटवाए, क्योंकि उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद बाल कटाना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारे सारे गुनाह माफ़ तभी होंगे, क्योंकि हमारा शरीर गुनाहों से भरा हुआ होता है और बाल में भी जो हमारे गुनाह होते हैं तो उसे कटवाना बहुत ज़रूरी होता है। और तभी हमारा जो है पूरा जो बदन होता है वो पूरा पाकी तहारत हो जाता है और एकदम जैसे कोई बच्चा पैदा होता है इस तरह से इंसान हो जाता है और सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से बाल वगैरह पूरे कटा देना चाहिए। तो शोएब को आपने देखा होगा कि शोएब के सर पर बाल नहीं थे क्योंकि पूरे शोएब टकले हो गए थे वहाँ पर। और ये होना ज़रूरी है, करना ही पड़ता है। और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उम्रा के बाद जो होते हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ करते हैं। गुनाहों से भरा हुआ हमारा जो है पूरे लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही साफ़ सुथरा है। दुनिया में हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद अपने गुनाहों की हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पैसा दौलत सबके पास होता है, जा कोई नहीं पाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और हज उमरा करना पसंद करते हैं तो यहाँ से दुआ मांगे और लाइक करें इस वीडियो को ताकि आप भी इस जगह पहुँचें और आप अपना उमरा और हज जब भी आपको नसीब में होगा ज़रूर करेंगे। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हज और उमरा नसीब करे। शोएब इतनी छोटी सी उम्र में गए और वहाँ पर उमरा किया, बहुत खुशी हुई और शोएब को बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर जाने के लिए। उन्होंने कहा था अम्मी मैं बहुत जाने के लिए वहाँ पर एक्साइटेड हूँ और मैं कब वहाँ पहुँचूँ। तो अल्लाह ने तुमको शोएब अल्लाह का घर आपने देखा और आपने उमरा किया। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।